ये बिक गई है मीडिया। अब इस मीडिया में कुछ नहीं बचा है, ये साले सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। अरे भाई 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 भाई, हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू YouTube चैनल एंड वेलकम सत्यवचन टू द सत्यवचन। सबसे पहले आप हमसे यही जानना चाहते होंगे कि हमने ये चैनल शुरू क्यों किया, तो आइए इस बारे में बात करते हैं हमारे दो संवाददाता से। सो द मेन रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस चैनल इज दैट वी आर बोर्ड, ओके, एंड एडमिटेड सो आर यू। तो जैसा कि आपने सुना, हम बोर हो चुके हैं सनम, और दुनिया की लगी पड़ी है, और इसी सब के बीच उभर के आता है हमारे सामने एक नया टॉपिक जिसके स्टैंडर्ड्स इतने गिर चुके हैं कि मैं भी उसे डेट नहीं करूंगा। यस, यू गेस्ड इट राइट, वी आर गोना टॉक अबाउट द इंडियन न्यूज मीडिया। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, सुशांत सिंह राजपूत, अ वाइडली पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर, कमिटेड सुसाइड ऑन 14 जून 2020 एंड इट गॉट मीडियाज अटेंशन वेरी रैपिडली एंड इट वाज यूजुअल। And this is how Aajtak decided to report on this incident. पता चला और भी कुछ वजह नहीं, क्या लगता है? हमको तो लगता है कि बात बिल्कुल उलट जाए, गलत हो जाए, मत विश्वसनीय नहीं लग रहा है। पिछले बार आया था, मंदिर में पूजा करने आया था, बगल में हम लोग के मोहल्ला का एक मंदिर है, उसमें पूजा किया था, बहुत भारी भीड़ थी, बहुत अच्छा था, सबकी मोहल्ला वासियों से बातचीत किया था, सबसे मिलजुल किया था, यहाँ ठहरा भी था, बहुत ही हम लोग को तो सदमा है, बहुत भारी सदमा है ये तो। बिल्कुल तो सदमा। सो पर्टिकुलरली उन्होंने किया क्या? दे जस्ट बार्ज्ड इनटू अ पर्सन्स हाउस हुज सन जस्ट पास्ड अवे इन वेरी अनसर्टेन मैनर। अबे यार, कौन देता है इनको यार ऐसे क्वेश्चंस? सही, उनको बस फॉर्मेट होता है तो इसका मतलब ये नहीं हर जगह वही पूछे, कुछ तो अकल होनी चाहिए यार उनमें। दिस एक्ट बाय आजतक अट्रैक्टेड अ वाइडस्प्रेड हेट ऑन सोशल मीडिया। तो आप लोगों को लग रहा होगा इतने क्रिटिसिज्म के बाद एंड आफ्टर सो मच आउटरीच इन्होंने आगे की रिपोर्टिंग तो थोड़ी अच्छी तरीके से की होगी। बट ऑफ कोर्स दिस वाज देयर हेडलाइन एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इवन इन द पास्ट देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ इंडियन मीडिया बीइंग इंडियन मीडिया। It wouldn't be fair to blame just one media house for it. At some point or the other, all media houses has crossed their line. निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि ये सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर फंसी हुई हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं और नहीं बल्कि चेन्नई में कैसे हालात बने हैं उसका जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंच गई हूं। लेकिन आज भी देखिए, मेरा साथी जो हर रोज मेरे साथ मौजूद होता है वो आज नहीं है, मुझे इस मुश्किल की घड़ी में छोड़ के चला गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। नॉट जस्ट द मीडिया हाउसेस, इवन पेपराजीज हैव नाउ एंड देन क्रॉस देयर बाउंड्रीज। तो यार, आप अब हमसे पूछोगे कि इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, और हम आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे। इसका आंसर काफी इजी है, वो लोग ये चीजें दिखाते हैं क्योंकि लोग देखते हैं। सो वी एज एन ऑडियंस नीड टू टेक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट दिस एंड स्टॉप एनकरेजिंग दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग। एंड टू द मीडिया हाउसेस, इफ यू आर फाइंडिंग इट दिस डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ट्राई पुटिंग योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स प्लेस। सोचो कि कोई आपके साथ ऐसा करे जो आप उनके साथ कर रहे हैं। And that, my friend, is empathy. Already इस मामले में मीडिया ने काफी बसड़ मचा रखी है। Every news channel has its own theory, and आप तो देख ही सकते हैं कैसे blame game शुरू हो चुका है। और यार, इन सब के चक्कर में सब ने अपनी अपनी theories दी, अपने अपने opinions दिए जो कि गलत नहीं है। कुछ के गलत हो भी सकते हैं, बट वो समझते हैं कि वो सही है। बट यार, हम एक ही बात कहेंगे कि आप
अब बस वही देखिए, सुनिए और फॉरवर्ड कीजिए जो वेरीफाइड हो, एक तरफ से क्लियरली वेरीफाइड हो ऑफिशियल्स की तरफ से। और बाकी मैं मीडिया को तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हर वक्त जीआईडी बनने की जरूरत नहीं है, आपको वो काम नहीं आता। एंड लास्टली व्हाइल वी ऑल इन आवर स्टोरीज एंड पोस्ट टाइप RIP, लेट हिम एक्चुअली रेस्ट इन पीस। थैंक यू।